प्रदेश सरकार द्वारा जारी हुए आदेश के अमल के आते ही क्षेत्र में अतिक्रमण मुहिम चलाई जा रही है। पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर एक मुख्य नगर पालिका परिसर चौराहे से अतिक्रमण मुहिम की शुरुआत की गई, जिसमें जिला प्रशासन, नगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन सहित मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के द्वारा अतिक्रमण मुहिम चलाई गई। राठौर ने बताया कि सरकार के आदेशों के पालन और आए दिन अतिक्रमण की शिकायतें आ रही थी, इसी कारण सभी प्रशासकीय अमलों के साथ मिलकर यह मुहिम चलाई जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र में सभी दूर यह मुहिम चलाई जाएगी, जिससे अतिक्रमण मुक्त शहर बनाया जा सके। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। सर बताइए, आज जो कार्रवाई की है, किस प्रकार की कार्रवाई है? सरकार के निर्देश है, वैसे तो पूरे प्रदेश में अतिक्रमण मुहिम चल रही है और हमने AKVN ने MPIDC नगर पालिका जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन सहयोग से ये जो अवैध अतिक्रमण कर रखा था, घुमटी बना रखी है ना फैक्ट्रियों के बारे फैक्ट्रियों की वो शिकायत है कि ये यहाँ पे घुमटी बना के अवैध कारोबार चलता है, तो उसको आज हटाने की कार्रवाई हम कर रहे हैं। कब तक चलेगी सर ये आपकी कार्रवाई? अभी फिलहाल हमारी मुहिम 3 दिन ही है और 3 दिन में ये जितना हट जाएगा सभी सेक्टर में चलेगी, 1-2 दिन सभी सेक्टर में चलेगी मुहिम। तो आज यहाँ से शुरू किया हमने। आपका नाम और पद बता दीजिए सर। अशोक राठौर, मैं प्रभारी अधिकारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।